बहुत शुक्रिया जनाब. द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हूँ. जनाब मैं इस बिल की तारीफ करता हूँ लेकिन मेरे कुछ एतराज़ हैं. वो ये कि ये सारा मामला जो है ये सारे पॉलिटिकल रीजंस के लिए है और दरअसल होना ये चाहिए था कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ मीनिंगफुल जो बिल्कुल ऐसे इकदाम किए जाए ताकि इसका कल्याण हो और इसकी बहबूदी हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है. फ़कत एक जाति को एक कम्युनिटी को इसमें शामिल करने से कोई हासिल होने वाली चीज़ नहीं हो. जैसा कि अगर होता, अगर आपका मकसद होता कि वाकई तौर पर इनकी कोई मदद होनी चाहिए थी, तो फिर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते, फिर आप नेशनल स्कॉलरशिप में कटौती नहीं करते जो इस कम्युनिटी के लिए है. अब देखिए वास्तव में असल में क्या हो रहा है, असल में यह है कि प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे ताकि इसका कल्याण हो, इसकी बहबूदी हो और ये तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए. जना फॉर हिस्टोरिकल रीजंस ये जो ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हुए. अब देखिए जनाब जम्मू कश्मीर की बात लीजिए. जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खासी आबादी है गुजर बकरवाल की, जो माइग्रेट रिया अपने लाइफ स्टाइल के साथ जम्मू से श्रीनगर जाते हैं गर्मियों में और श्रीनगर से वापस जम्मू आते हैं सर्दियों में. उनके लिए कोई 1521 एक माइग्रेटरी पॉपुलेशन के लिए कुछ सीजनल टीचिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जिनके लिए 2217 के करीब ट्राइबल जो उनका स्टाफ है, और वो सिर्फ 6 महीने के लिए होता है. वो जब माइग्रेट हो जाते हैं तो वो जो सारे टीचर्स हैं ट्राइबल टीचर्स जो हैं उन सेंटर्स के, उनकी छुट्टी की जाती है और 2007 से जनाब वो अपनी जो रेगुलराइजेशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं. और क्या तो यही इकदाम अगर प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि कोई कल्याण हो, कोई बेहतरी हो, कोई बहबूदी हो, तो वेलफेयर हो, तो फिर ऐसे इकदाम की जाए ना ताकि आप इनके लिए व्यवस्था करें तालीम की, इनके बच्चों के लिए. वो हो नहीं रहा है. आप जनाब अभी तो बात ही नहीं हुई ना, प्लीज़ आप जो ड्रॉप आउट स्टेट है, जैसा कि पहले कहा गया सबसे ज़्यादा बच्चों की जो प्री प्राइमरी और प्री मिडल लेवल पर है वो इन्हीं की है. अब जनाब हेल्थ केयर की बात देखिए, सबसे कम हेल्थ केयर इनके लिए जो हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, जो एसटी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में जो अपने लाइफस्टाइल की जो मैंने पहले ही गुजारिश की उसके साथ जाती है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में. अब जनाब समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये जो मैंने कहा कि 1521 सेंटर बनाए गए और जहाँ आपका स्टाफ आज भी, अब देखिए उन बच्चों की तालीम मुतासर हुई, कोई कमिटमेंट नहीं रही उस स्टाफ की, तो मंत्री जी को चाहिए ये कि प्रयास करें ताकि उनकी नौकरी पक्की हो जाए और ये जो ये योजना जो है ये जो स्कीम है इसमें इसको पूरी तरह से बिल्कुल मुस्तकम किया जाए. अब जनाब बात यह है कि हम कल्याण की बात करते हैं. पिछले साल ही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सुबह सवेरे जनाब एक बस्ती पर दावा बोल दिया रूपनगर एरिया में, ताकि क्योंकि आप चाहते नहीं कि वन से जंगल से बाहर आ जाए इनका कोई वहाँ पर कोई टाउन के पेरिफेरी में कोई बस्ती हो, और सुबह सवेरे ये सारी डिमोलिश की और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसकी रिहैबिलिटेशन का कोई प्रयास किया गया. अब जनाब जो लिटरेसी रेट है सबसे कम है और ख़ासकर गर्ल चाइल्ड की लिटरेसी के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे. जनाब चाइल्ड मॉर्टलिटी सबसे ज़्यादा है, स्टारवेशन डेथ सबसे ज़्यादा है, और अनीमिया जो है जनाब सबसे ज़्यादा जो हमारी उस जो हमारी एसटी कम्युनिटी के ताल्लुक रहते उनका ही सबसे ज़्यादा वहीं चुनौती है, वहीं सबसे ज़्यादा मसाइल है. इस मैं वेलकम करता हूँ. ये सही है कि आपने और कम्युनिटी को एक सर्वे के बाद ये आपने ये प्रयास किया कि उनको शामिल करें, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है. इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मीनिंगफुल स्टेप्स चाहिए, और जैसा कि मैंने गुजारिश की मिस्टर साहब से, जम्मू कश्मीर में जो ये रिहैबिलिटेशन की बात करें और दूसरी बात है वो उनको परमानेंट बनाने की बात करें, वही एक मीनिंगफुल होगा. वरना क्या मकसद है, आप सियासी और पॉलिटिकल रीजंस आप इसको शामिल करते हैं और उसके बाद उसके कल्याण के लिए कोई कुछ करता ही नहीं. Thank you, Honorable Member Srimati Supriya Srey. Thank you, sir. I stand here to support this bill today, sir.